आगरमालवा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1 किलो वाट तक घरेलू उपभोक्ताओं को 31 अगस्त 2020 में कोरोना के कारण स्थगित की गई राशि में छूट देने के लिए समाधान योजना पुनः लागू की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले, जिसको लेकर कार्यपालन यंत्री के द्वारा जगह जगह शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी प्राप्त कराई जा रही है। वहीं कार्यपालन यंत्री भवर लाल गुजराती ने बताया कि समाधान योजना का लाभ आगर विधानसभा के 35,700 उपभोक्ताओं को मिला है। तो वहीं उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा कराते हैं, उन्हें 40% और जो उपभोक्ता 6 समस्त सामान्य किश्तों में अपना बिल जमा करते हैं उन्हें 25% की छूट मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा रही है। मध्य शासन के द्वारा अभी जो है 31 अगस्त 2020 में कोविड के कारण जिन उपभोक्ताओं के जिनके कनेक्शन घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट तक के थे, उन उपभोक्ताओं के बिल शासन ने फ्रीज कर दिए थे कोविड के कारण। उन्हीं उपभोक्ताओं को जो करीब करीब 35,700 उपभोक्ता है जो पात्र हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिसका कुल बकाया राशि उस समय फ्रीज अमाउंट जो आस्थगित राशि फ्रीज अमाउंट है वो 17,43,00,000 रुपये है, जिनकी मूल राशि जिस पर छूट देना है वो 14,65,00,000 रुपए है, जिसका सरचार्ज जो है 3,18,00,000 रुपए है। तो इस मूल राशि पर शासन द्वारा जो है उन उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है समाधान योजना के तहत। यह योजना जो है इसका प्रचार प्रसार हमारे द्वारा शिविरों के माध्यम से और वाहनों पर जो है माइक और उनके द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है और किया भी है और किया जा रहा है, और शिविरों का आयोजन भी दिनांक बार आयोजित किया जा रहा है। इस योजना के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो मूल बकाया राशि है जो उस समय फ्रीज की गई थी, यदि पात्र उपभोक्ता एकमुश्त उस मूल बकाया राशि की 60% राशि यदि जमा करता है तो मूल राशि का 40% उसका माफ हो जाएगा और सरचार्ज उसका 100% माफ होगा। इसी का दूसरा ऑप्शन है, विकल्प दूसरा है कि ऐसे उपभोक्ता जो एक साथ जो है राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, गरीब तबके से हैं, तो उनके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन रखा है कि वो व्यक्ति अपने बकाया राशि का जो है भुगतान मूल राशि का 75% यदि जमा करता है समान 6 किस्त में, लगातार समान 6 किस्त में यदि 75% राशि का भुगतान करता है तो उसको 25% राशि की माफ़ी होगी और 100% जो है उसका सरचार्ज माफ होगा।